चित्रकूट में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने पुलिस और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर काटा हंगामा। परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रख कर पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को लेकर पुलिस और परिजनों में जमकर हुई धक्का मुक्की। कल रात में भरतकूप में सड़क हादसे में घायल हुआ था मृतक युवक। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल में परिजनों ने काटा हंगामा। जिला जिला अस्पताल कर्मी आए हैं और हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। उसका नाम प्रदीप है, मेरा नाम नीरज है। तुर्रा के रहने वाले हैं। चित्रकूट से वो अपने घर की तरफ जा रहा था। कैसे घटना हुई है? घटना अब ये कोहरा भी था और बारिश भी हो रही थी। अब वहाँ पे तो हम थे नहीं कि कैसे क्या हुआ, मगर एक्सीडेंट हुआ। तो अभी यहाँ क्या तामझाम होता हुआ? अभी यहाँ तामझाम यही है कि मान लीजिए प्रशासन की लापरवाही से थोड़ा हमारे भाई की जान चली गई, नहीं तो बच जाते। किस तरह की लापरवाही? ऐसी लापरवाही की मतलब एम्बुलेंस का इंतजार किया गया उसको निकाल के, और अगर उसको तत्काल पहुँचा दिया जाता तो आज होते। पुलिस से किस तरह की नोकझोंक हुई है? तो अभी हमें ही उल्टा धमका रही है। क्या धमका रही है? आप लोग जान लगाए बैठे थे कि क्या मांग थी आप लोगों की? मांग हमारी यही है कि जो हमारे भाई के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, प्रशासन टाइट रहे, जिला अस्पताल के जो डॉक्टर हैं कर्मचारी हैं जो भी, ये लोग की भी लापरवाही है। क्या लापरवाही? लापरवाही ये है कि ये पेशेंट को एकदम जानवर समझते हैं और प्लस जल्दी देखभाल नहीं करते हैं, ना जल्दी उनको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कहाँ है डेड बॉडी अभी? कहाँ डेड बॉडी? अभी जबरदस्ती पुलिस प्रशासन के लोग उसमें वैन में रख लिए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अपनी मांग बताओ। मांग हमारी यही है। और हम पैसा रुपये थोड़ी मांगेंगे प्रशासन से और डॉक्टरों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है, मैं मृतक का भाई हूँ छोटा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।